सैमसंग गैलेक्सी M55 5G, हाँ गई, जैसे कि आप लोग जानते हैं सैमसंग अपना M55 5G लेकर आने वाला है। इसमें मैं बताने वाला हूँ उसी स्मार्टफोन के बारे में, तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए भी आपने नहीं किया, आज का वीडियो स्टार्ट। गाइस यहाँ पर सैमसंग अपना M55 को लेकर आने वाला है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है। आप लोगों को पता है यहाँ पर जो M50 लाइनअप है, M54 नहीं आया था, बट M55 आने वाला है, बात करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, M55 बहुत अच्छा होने वाला है। M50 सीरीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी होती हैं, जैसे स्पेसिफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो बिल्ड डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम मिलने वाला है आपको, एंड पिछले बार बिल्कुल अच्छा नहीं था बट इस बार आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। डिस्प्ले आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड पैनल होगा सेंटर पंच होल के साथ, 120 हर्ट्ज़ भी मिलेगा, तो जो पैनल की क्वालिटी है वो भी बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अच्छी आपको देखने मिलने वाली है। एंड अगर मैं चिपसेट की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो चिपसेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिलने की चांसेस है, कहा जा रहा था स्नैपड्रैगन 7th Gen मिलेगा, मैं इसको मानता नहीं हूँ बट ये लीक्स आई हैं, बिकॉज ये बहुत आउटडेटेड चिपसेट है। अगर स्नैपड्रैगन 7th Gen 2 भी दे देते तो मैं थोड़ा मानता, बट स्नैपड्रैगन 7th Gen तो बहुत आउटडेटेड हो गया। कैमराज में बात कर लेता हूँ तो मेन कैमरा अब आपको मिलने वाला है 108 MP का, देन अल्ट्रा वाइड माइक्रो लेंस, DSLR 4K और पावे वाइज का सपोर्ट मिलता है, सेल्फी में आपको 30 MP की सेल्फी भी मिल जाती है। तो कैमरे डिपार्टमेंट में आप कह सकते हैं फोन बढ़िया, यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं मिलता है। बैटरी की मैं बात करता हूँ, 6000 mAh की बैटरी मिलने वाली है प्लस टाइप सी, एंड आपको 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। आउट ऑफ बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा। UI एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ बॉक्स होगा, एनीवन यूज़ रन करने वाला है। ये है पूरा सैमसंग M55 5G। अगर आप ये लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस एंड लॉन्च सुन लीजिए, इसकी जो लॉन्च है वो अप्रैल के मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ आ सकता है, और इसकी जो प्राइस है वो अराउंड होने वाली है गाइस 30,000 रुपये के नीचे, मतलब 28-30,000 रुपये में होगा, जो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे लगता है अगर 24-23,000 तक का आता, मतलब 25,000 में आता और आप 2-3,000 का डिस्काउंट मिल जाता तो बढ़िया हो सकता था, बट अगर ये 30,000 रुपये तक का जाता है ना तो डेफिनेटली ओवर प्राइज होगा। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग लोगे, बिकॉज देखिए सैमसंग M50 सीरीज जो है ना वो ज़्यादा ऑनलाइन को टारगेट करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में इतना महंगा प्राइस लोग ज़्यादा पे नहीं करेंगे, कुछ लोग लेंगे बस डेफिनेटली, बट क्योंकि ऑनलाइन में ज़्यादा मैंने देखा है कि देख समझ के लोग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको प्राइस कम करनी चाहिए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, पसंद आया हमारा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे देखते रहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ ला के दें। एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।